हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे वीकेंड स्पेशल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। अभी तक ये चैप्टर नहीं हुआ था, तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर। इससे पहले अगर आपने मेरे वो वीडियोस रीजनिंग के बाकी देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देख लिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको, वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब आज स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग? किसी भी चीज को किसी तरह से कोड में लिख देना तो हमें कोडिंग कहलाती है, उसको डिकोड हम लोग करते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो मेनली हम जाते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग पर। सबसे फर्स्ट होती है अल्फाबेटिकल कोडिंग। क्या होती है अल्फाबेट? तो आप लोग जानते होंगे अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं, A to Z अल्फाबेट होते हैं। इसके नंबर, इसकी पोजीशन याद करनी होती है कि A जो है वो आपका 1 पे आता है और Z जो है 26 पे आता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है। तो उसके लिए आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी और आपका तुरंत से निकलना चाहिए मुंह से कि अगर पूछा जाए आपका N तो 14, T तो 20, ऐसा तुरंत होना चाहिए। तो उसके लिए एक चार्ट में बना देता हूँ, इस तरह से आपको याद करिएगा ABCDEFGHIJKLM और M की यहां से स्टार्ट करेगा NOPQRSTUVWXYZ। थोड़ा सा इधर उधर से लिख गया होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कर सकते हैं। यहां पर देखा कि ए बी सी डी इस तरह से, ये इसके अपोजिट हो गए। अपोजिट और नंबर दो चीज मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर ए आपका वन पोजीशन पे, लाइक मैं इससे लिख लो मार्कर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद ये 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट में 26। इसके लिए एक वो होता है विश्वविख्यात फार्मूला है, फार्मूला क्या मैं बोलूं, इस तरह से होता है इजोटी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा हो तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब जगह चलता है, मैं कुछ आपको नया नहीं बता रहा हूँ जगह, क्योंकि ये 5-5 के डिफरेंस होता है, 5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है, तो इससे आप जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आप जैसे कोई निकालना है के, तो के किसके पास में आता है, जे के पास में, तो आपको जे के पास में लिया, जे है यहाँ पर 10 पे तो अगला वाला के होगा यानी कि 11 पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अपोजिट देखते हैं। अब जिस क्योंकि मैंने ये 13-13 का सेगमेंट में इसलिए डिवाइड किया कि M तक जाएंगे, उस पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि M N का अपोजिट, L O अपोजिट, K P अपोजिट, इस तरह से ये लोग अपोजिट अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आएगा वो। अब बात करते हैं आगे, आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इस ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है, तो थ्री इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और जेड 26 तक। ठीक है, क्लियर। और अगर इसी सेगमेंट में राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं यानी कि इस तरफ से इस तरफ, तो इसके उल्टे हो जाएंगे डिफरेंस, यानी कि ए जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा, बी हो जाएगा 25 पे, सी 24 और इस तरह से जाएंगे जेड पे यानी कि 1। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर आपका लेफ्ट टू राइट चल रहा है या राइट टू लेफ्ट चल रहा है। ठीक है, अपोजिट बात करते हैं। अपोजिट एक तो या तो अपोजिट आप ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है ये देखिए, हमारा नाम भी आ गया यहां पर कोचिंग का, आरएल। ठीक है,
लेफ्ट टू राइट की जो रैंकिंग होती है ठीक है वो इक्वल होती है 27 माइनस आर एल, या आप यहां कर सकते हैं आर एल को यहां पर लिख सकते हैं 27 माइनस एल आर, ठीक है। लाइक जैसे कि आपको निकालना है के की प्लेस वैल्यू, के की प्लेस वैल्यू निकालिए राइट से, ठीक है। तो राइट से आप कैसे निकालेंगे, के आपका किस नंबर पे आता है आपको तुरंत याद होना चाहिए, तुरंत के मतलब 11, ठीक है। तो 27 माइनस यहाँ पर के की वैल्यू रख देंगे 11, यानी कि आपको मिल जाएगा 16। अब 16 किसका होता है, यानी 16 की जगह पर क्या आता है, पी आता है। तो ये आपको पता चल गया कि पी जो है वो के का अपोजिट है, ठीक है। इस तरह से आप लोग निकालेंगे। z का जैसे निकालना है तो z आता है 26 पे, बट आपको यहाँ 26 नहीं दिया जाएगा। z का जैसे निकालना है तो इसमें से माइनस करेंगे 27 माइनस 26, यानी कि आपको मिलेगा 1। 1 किसका होता है, a का। तो a हो गया आपका z के अपोजिट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आप निकाल सकते हैं, और मेरी वाणी तो आप सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए। ये मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए, एक प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको यही दो चीज समझाऊंगा, बेसिक लेके चल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, और इसको फिर एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कुछ नंबर, देखते हैं कि वो आप कैसे किस तरह से पता लगा सकते हैं। एक होता है क्यू, ठीक है। अब क्यू इस तरह से होता है कुछ, अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से माने तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 टाइप का बन रहा है इस तरह से, ठीक, ये 7 बनता है क्यू में, तो क्यू में 7 बनता है, यानी कि आप इसको 17 लिख सकते हैं, ठीक है। एन, एन पे आते हैं। अब एन पे थोड़ा सा आप देखिएगा और गौर करिएगा, तो एन आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 1, और ये जो रोमन टाइप का ये, ठीक है, इस तरह से 4 लिखा हुआ, यानी कि आप इसको 14 कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं, वैसे मैं आपको याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। एम, ठीक है, अगर m को मैं इस तरह से कर दूं, यानी कि क्लॉकवाइज घुमा दूं, तो ये 3 बन जाएगा। और उसी तरह से w होता है, w को भी मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो 3 बन जाएगा, बट इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है। ये सब याद करने के तरीके होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं t। अब t तो सुना ही होगा, मैं T20 आईपीएल भी चल रहा है, तो T20 फॉर्मेट में चल रहा है, तो टी से 20 हो गए, आपको याद हो जाएगा। और एक हम लोग जब एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उससे पहले हम लोग एस टी लगाते हैं, एस टी, या तो आप सीधे सीधे इसको याद कर सकते हैं, एस टी मीन्स 1920, ठीक है, एस टी 1920, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी नंबर का आप लोग याद करने के लिए कुछ भी अपने मन से आप बना सकते हैं तरीका। ये मैंने आपको नंबर प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बता दिया। इसके बाद अब बात करते हैं कि अपोजिट याद करने की क्या क्या ट्रिक हो सकती हैं, कैसे हम लोग वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, इसके बाद से मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा ये चीजें। तो ए जेड कैसे अपोजिट होता है, यहां तक दिख रहा है आपको, एक बार देख लीजिए, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, मैं एक बार इस तरह से लिख दे रहा हूं अब मैं आपको समझाने के लिए, इसको तोड़ देता हूं, मैं दो पार्ट ले लेता हूं।
ठीक है, ये मैंने आपको नोट करा दिया है। अब इसमें आप लोग कैसे किस तरह से लिख सकते हैं कुछ भी बता सकते हैं, इस तरह से एक दूसरे का अपोजिट होता है ए जेड बी वाई। तो अगर इसमें आप थोड़ी सी कहानी बना लें तो ये आजाद बॉय क्रैक्स, क्रैक्स तो आप लोग खाते ही होंगे, छोटे बच्चे जरूर खाते होंगे। ड्यू माउंटेन ड्यू पिया होगा आप लोगों ने। इवन एफ यू से क्या बना सकते हैं हम लोग, जीटी रोड, तो जीटी रोड लिख सकते हैं, जीटी रोड। इसको हम लोग फॉर यू कर सकते हैं, फॉर यू किस तरह से, तो मैंने बनाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके अलावा भी बना सकते हैं कुछ भी लर्न करने के लिए। हाई स्कूल आई आर इंग्लिश को लिख सकते हैं हम लोग, जंगल क्वीन। केपी तो सबसे बेस्ट है कानपुर। एलओ, एलओ से क्या कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, लॉकडाउन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है ठीक है। और लास्ट में आ जाता है मैन, ठीक है। तो ये मैंने आपको याद करने के तरीके बताए हैं कि आजाद नाम का कोई लड़का होगा, आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू, ठीक है। उसने ड्यू की जो कांच वाली बोतल आती है उसको क्रैक्स मतलब तोड़ा, ठीक है। इवन फॉर यू आपके लिए, कहाँ पे, जीटी रोड पे, ठीक है। वो हाई स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। हाई स्कूल में पढ़ने के बाद वो इंडियन रेलवे, रेलवे से वो सफर कर रहा था, ठीक है। उसको कौन मिलता है, जंगल क्वीन। भाई सफर कर रहा था उसी में उसको जंगल क्वीन मिली। दोनों कहाँ रहे थे, कानपुर, ठीक है। दोनों को प्यार हो गया और वो जो यहाँ पर आ जाता वो एक मैन हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। इससे आप लोग कुछ कहानी बना सकते हैं, मैंने एक सिंपल वे में आपको कोई कहानी बना के दिखाई है, आप लोग अपने मन से भी कोई ना कोई कहानी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ये याद करने का तरीका है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप लोग अपोजिट भी कैसे याद कर सकते हैं, और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, जो प्लेस वैल्यू याद करने के, ये आपको तुरंत याद होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो में हम बस इतना देखते हैं। आप क्वेश्चन पे थोड़ा बात करेंगे और किस किस टाइप की कोडिंग हमारे एग्जाम में पूछी जाती है वो हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मेरा आप वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।